दोस्तों, तब क्या हुआ जब बांके बिहारी जी की मूर्ति बोलने लगी तो वहां मौजूद लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सोचिए ऐसी अद्भुत घटना ने कितनी भक्ति और श्रद्धा का संचार किया होगा। वृंदावन की गलियों में भक्ति की लहरें इस समय और भी गहरी हो गईं। यहां जहां भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और आस्था की कोई कमी नहीं है, वहां एक मूर्ति का बोलना एक अनोखी बात है। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जब बांके बिहारी जी की मूर्ति ने अपने अद्भुत स्वर में कुछ ऐसा कहा कि सुनकर लोगों का कलेजा कांप गया। इस रहस्य के पीछे की कहानी जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको भक्ति और अद्भुतता के एक नए आयाम पर ले जाएगी। क्या सच में देवता बोल सकते हैं? आइए इस रहस्य को खोजते हैं और जानते हैं कि वृंदावन में ऐसा क्या हुआ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये अद्भुत चमत्कार हुआ था आज से कई दशक पहले मथुरा की रहने वाली एक बुजुर्ग माता जी के साथ। बुजुर्ग माता जी का नियम था कि वो हर महीने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जाती थी। हर महीने जब भी वो जाती थी तो कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर ही जाती थी। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, लेकिन अपने भाव के अनुसार जो भी अच्छा लगता, कभी केला, कभी सेब, कभी घर से कुछ बनाकर ज़रूर लेकर जाती थी। कभी खाली हाथ नहीं जाती थी। अब एक बार सर्दी का मौसम आया, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि सर्दी के मौसम में वृंदावन में ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तब माता जी के मन में विचार हुआ कि क्यों ना भगवान बांके बिहारी जी के लिए एक स्वेटर बना लूँ या कोई ऐसी शॉल बना लूँ जिसे वो ओढ़ सकें और उन्हें ठंड ना लगे। पर उनके मन में विचार तो आया, लेकिन घर में वो चीज़ नहीं थी जिससे वे स्वेटर या शॉल बना सके। फिर उन्होंने अपने पुराने स्वेटर से ऊन निकालकर बांके बिहारी जी के लिए जैसे तैसे पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा भाव के साथ शॉल बना लिया। जैसे ही शॉल बनकर तैयार हुआ, वो बुजुर्ग माता बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर चल पड़ी। उन्होंने ये सोच लिया था कि आज जाऊंगी तो बांके बिहारी जी को ये शॉल उड़ाकर ही आऊंगी। जब माता मंदिर पहुंची तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे सेठ आए हुए थे जो कि अलग अलग चीज लेकर आए थे। कोई गर्म कम्बल, कोई कोट, तो कोई नई शॉल लेकर आया था। अब उन सबको देखकर माता जी को शर्म आने लगी। फिर उन्होंने सोचा कि भगवान तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जब पुजारी जी देखेंगे कि ये शॉल पुरानी है तो वो क्या करेंगे? वो तो इसे दूर हटाकर फेंक देंगे। फिर भी माता जी गई और शॉल को पुजारी जी के हाथों में दे दिया और घर वापिस आ गई। जैसे ही रात हुई, बांके बिहारी जी निधिवन से रास रचाकर सोने आए। उस वक्त बहुत ठंड थी। रात्रि में बांके बिहारी जी ने स्वप्न में पुजारी जी से कहा, अरे पुजारी जी, बहुत ठंड लग रही है, गरम कपड़े पहना दो। पुजारी जी की नींद खुल गई। इधर उधर देखा तो कोई नहीं था, वो पुनः सो गए। फिर आवाज आई, अरे पुजारी जी, बहुत ठंड लग रही है, गरम कपड़े पहना दो। पुजारी जी एक झटके में उठ गए, उनकी नींद खुल गई और पूछा, कौन बोल रहा है? फिर आवाज आई, मंदिर से बांके बिहारी जी बोल रहे हैं। पुजारी जी जल्दी जल्दी उठे और उन सेठों के द्वारा दिए गए कंबल को उनके सामने रख दिया। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आई, अरे पुजारी जी, बहुत ठंड लग रही है, गरम कपड़े पहना दो। पुजारी जी की फिर से नींद खुल गई। उन्होंने बिहारी जी के समीप जाकर कहा, सारे गरम कपड़े तो यही रखे हैं, भगवान आप कौन सी लीला कर रहे हैं? पुजारी जी हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए। फिर बांके बिहारी जी ने कहा, अरे बहुत ठंड लग रही है, गरम कपड़े पहना दो। पुजारी जी ने कहा, क्या पहनाए भगवान, आप ही बता दीजिए। तो बिहारी जी ने कहा, प्रातःकालीन एक बुजुर्ग माता जी आई थी एक शॉल लेकर। तुमने सोचा कि वो शॉल पुरानी है, तुमने हटाकर दूर रख दिया, जल्दी लेकर आओ और मुझे वो पहनाओ। अब पुजारी जी भागकर वो शॉल लेकर आए और आकर बिहारी जी के शरीर पर ओढ़ा दिया। और जैसे ही शॉल ओढ़ाई गई, बिहारी जी ने कहा, ठंड दूर हो गई। फिर भगवान सो गए। इधर पुजारी जी के होश उड़े हुए थे। उन्होंने कहा, मुझसे भारी अपराध हो गया, माता जी कितने भाव से ये शॉल बनाकर लाई थी और मैंने उनका मान नहीं रखा, मैंने उस पवित्र शॉल को दूर हटाकर फेंक दिया, पर भगवान ने स्वयं आकर माता जी का मान बढ़ा दिया। दोस्तों, आप इस अद्भुत चमत्कार के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।